press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. यार वो फ्राइडे वाला प्रेशर तो नहीं है बट एक तरह से प्रेशर तो हमेशा होता है एंड मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ सब जर्नलिस्ट को और आज भी जो सब आए हैं बहुत बारिश है हम लोग चार दिन से प्रमोट कर रहे हैं और मुझे मालूम है आप लोगों को एक दिन में आई थिंक 8 जगह जाना होता है एंड उसके बावजूद भी सब आए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं सब और आज भी आप लोग आए थैंक यू यार क्योंकि मुझे वहाँ घर से आने में 2 घंटे लग गए तो आई होप गॉड ओनली नोज व्हाट ऑल यू आर गोइंग थ्रू सो मेरा सलूट है आप सबको हम लोग ने यार फिल्म बहुत एक होकर और बहुत मेहनत से बनाई है आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस यू नो हम हमेशा अपने काम से वैसे ही सब बहुत लगाव रखते हैं बट मैं इस फिल्म से बहुत जुड़ा हूँ इसके लोगों के साथ और हमने बहुत मेहनत से संघर्षपूर्ण अपनी अपने आप को पुश करते हुए सभी ने कोशिश की है एक सच्ची कहानी को फिल्म के हवाई एक फिल्म के माध्यम से डिजिटली आपको दिखाएं एंड आई थिंक कल से ये Z5 पे स्ट्रीम करेगी एंड आई होप आप लोग देखें और आप लोग अच्छा लगे और हमें बताइए उसके बाद कि आप लोग कैसा लगे मेरे सारे ऑडियंस खास है मुझसे एक्चुअली अभी कोई पूछ रहा था कि हमें तुम्हारा गॉड फादर नहीं इंडस्ट्री मैंने कहा मेरा गॉड फादर है ऑडियंस मेरी गॉड फादर है सो दिस इज़ जस्ट फॉर ऑल द ऑडियंसिस दिस इज़ फॉर एवरी वन हु लाइक्स edgy content, likes real life stories, likes the real stuff. ये उनके लिए I hope आप लोग को अच्छा लगे जी अरे यार पिक्चर में कहाँ से बीच में ले आए आई थिंक मैं मेरे डैड आर्मी में थे मैं कश्मीर में बहुत रहा हूँ और हर साल गुलमर्ग और इधर बाइक चलाता हूँ स्की करता हूँ और मुझे दुख होता है कि अभी तक के हमारे देश ने यहाँ हम लोग उस एरिया के बारे में कुछ नहीं कर सके आई थिंक मैं जो मोदी सरकार है मैं उनको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि वो प्रयास कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं यू नो आई थिंक इंडिया में अगर हम लोग यही देखें कि जो हमें चला रहे हैं जिनको हम लोगों ने नियुक्त किया है वो कोशिश कर रहे हैं आई थिंक मैं उससे बहुत खुश हूँ एंड आई होप आने वाले दिनों में जब हम लोग बोलें कि कश्मीरी है ऐसा लगे कि एक हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान के लोग वहाँ जा सकें दुनिया के लोग वहाँ जा सकें बिकॉज आई थिंक ये दुनिया की सबसे वन ऑफ द मोस्ट खूबसूरत जगह है थैंक यू